हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को के नाम से ज्ञापन दिया है कि जो हमारी मांगे है कि जो फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स जो यूटीपी के थ्रू लगे हुए हैं अपने जो सीएमएचओ के अंडर से लगे हुए हैं। डीपीएस तबीजी अजमेर जहां एकेडमिक के साथ है डांस म्यूजिक जूडो कराटे आर्चरी शूटिंग हॉर्स राइडिंग इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को के नाम से ज्ञापन दिया है कि जो हमारी मांगे है कि जो फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स जो यूटीपी के थ्रू लगे हुए हैं अपने जो सीएमएचओ के अंडर से लगे हुए हैं और एनएचएम के अंडर से लगे हुए हैं उनकी कार्मिकों की जो एक्सटेंशन डेट बढ़ाने के लिए और एक संविदा रूल्स में शामिल करने के लिए हम सभी साथियों ने मिलकर आज पहले तो सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद अपने जो जिला कलेक्टर महोदय उनको ज्ञापन दिया। हमारी पहली मांग तो ये है कि जो यूटीपी को जो कोविड के काल के दौरान हमारे को लिया गया था, अभी राजस्थान सरकार से ऑर्डर आ रहे हैं, हर सीएमएचओ और राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर आ रहे हैं कि उनकी कार्यतिथि 31 मार्च लास्ट है। तो हम सीएमएचओ साहब से और अपने कलेक्टर माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से मांग करते हैं कि हमारी एक्सटेंशन डेट बढ़ाई जाए और उसके साथ ही जो हमारे को संविदा रूल्स में शामिल किया जाए और जो हमारे का वेतन है उसका भी, जैसे फार्मासिस्ट को अभी 8,500 यहाँ पे मिल रहा है और सभी डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग वेतन है और जो स्टाफ नर्स है उनको 7,900 मिल रहा है, तो उनका वेतन मां बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए। मैं देशराज धनवंत, पूर्व जिलाध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन अजमेर।